इस वजह से, क्योंकि हम लोग कई बार सोशल मीडिया पे इतना कुछ देखते हैं तो मुझे लगता है कि यार ये रियल है कि नहीं है, तो मेरी रियलिटी उसके आसपास ही है जो मैं दिखाता हूँ, तो वही है। कपिल और सुनील के झगड़ों ने सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया था और ये झगड़ा तकरीबन 6 सालों तक चला, लेकिन अब ये झगड़ा खत्म हो गया है और सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा दमदार वापसी करने वाले हैं। उसको लेकर अभी हाल ही में मीडिया इंटरेक्शन के दौरान सुनील ग्रोवर ने अपनी एक्साइटमेंट को भी दुनिया के सामने रखा। कॉमेडियन कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर का फ्लाइट में ऐसा झगड़ा हुआ था कि दोनों ने अपनी अपनी राहें अलग कर ली। तकरीबन 6 सालों तक दोनों का झगड़ा रहा, लेकिन अब ये दोनों नेटफ्लिक्स पर जबरदस्त वापसी कर रहे हैं। जी हाँ, कपिल शर्मा सुनील ग्रोवर एक बार फिर साथ में काम कर सकते हैं और दोनों का अपकमिंग शो टीवी पर नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आएगा और इस बात का भी हाल ही में ऐलान भी हो चुका है। सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सौगात होगी। द कपिल शर्मा शो में सुनील ग्रोवर ने डॉक्टर मशहूर गुलाटी के किरदार में ऐसी जान फूंकी थी जिस किरदार को आज भी लोग भूल नहीं पाए। लेकिन सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के झगड़ों ने दर्शकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, लेकिन 6 सालों की लंबी लड़ाई के बाद अब कपिल शर्मा के साथ सुनील ग्रोवर दमदार वापसी के लिए तैयार हैं। जिक्र करना चाहेंगे आज से कुछ दिन पहले की, जब नेटफ्लिक्स ने अपकमिंग शो को लेकर एक पोस्ट शेयर किया था। इस पर लिखा था, दिल थाम कर बैठिए, जिस गाड़ी का इंतजार था वो आ गई है। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर एक बार फिर से लौट रहे हैं और जल्दी इनका नया पता होगा नेटफ्लिक्स। शो से जुड़े वीडियो में कपिल शर्मा की पूरी टोली नजर आ रही है। सुनील ग्रोवर, कपिल शर्मा के अलावा कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक और राजीव ठाकुर भी दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि ये शो आते ही तहलका मचा देगा और कपिल और सुनील को एक साथ देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा उत्सुक चल रहे हैं, क्योंकि 6 सालों तक इन दोनों को एक साथ किसी शो का हिस्सा बनते नहीं देख पाए लोग। इसी के साथ ही अगर उस झगड़े की बात करें तो जिक्र करना चाहेंगे 2017 का, जब कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की लड़ाई हुई थी। ऑस्ट्रेलिया से आते वक्त फ्लाइट में दोनों के बीच में कहासुनी हो गई थी और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो बताया जाता है कि उस घटना के बारे में एक चश्मदीद ने बताया था कि कपिल शर्मा फ्लाइट में शराब पी रहे थे, उनकी पूरी टीम खाना खा रही थी और नशे में धुत कपिल शर्मा अपना आपा खो दिया, कहा कि वह उनके बिना कैसे खा सकते हैं। फिर कॉमेडियन ने जूता उतार कर फेंक दिया, साथ ही सुनील ग्रोवर की कॉलर तक पकड़ ली। इसके बाद सुनील ने शो में भी वापसी नहीं की और दोनों की लड़ाई की खबरें आग की तरह फैल गई थी। इसके बाद ही इन दोनों की अलग अलग राहें हो गई थी। तकरीबन 6 सालों के लंबे अंतराल के बाद अब इन दोनों का झगड़ा खत्म हो गया है और फाइनली सुनील ग्रोवर भी कपिल शर्मा के साथ काम करने के लिए खूब एक्साइटेड भी चल रहे हैं।